हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन का भजन करो, कृष्ण है हमारा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे हरे कृष्ण। हाँ हरि बोल। देखो आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन। गांव का नाम क्या है? बिराल। किशनपुर। वाह अरे किशन मतलब कृष्णपुर है। हाँ भगवान कन्हैया का गांव। आप लोग तो बड़े भाग्यवान भगवान का गांव में निवास कर रहे हो, किशनपुर में निवास कर रहे हो। हाँ देखो भागवत का एक कथा सुन लो। एक समय द्वारका में भगवान कृष्ण जहाँ पर श्री दाऊ भैया, जहाँ पर देवकी वसुदेव और कृष्ण के 16,108 पटरानियां, जहाँ पर बात मत कर इसलिए जहाँ पर यहाँ पर एक बहुत बड़े एक यज्ञ हो रहा था, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या यज्ञ का नाम था? विश्व में शांति सुख कैसे हो। देखो जीवन में हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हो? शांति सुख हो, इसलिए करते हो ना। नौकरी चाकरी संसार दुनियादारी उसका अगर देखोगे लास्ट में किस लिए कर रहे हो? जीवन में शांति और सुख मिले।
इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे हमारे देश में शांति और सुख हो। नियम है जब यज्ञ कोई प्रारंभ हो जाए जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो खत्म नहीं हो जाए, नियम है यज्ञ बंद बीच में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ का फल ही नहीं मिलता है। लेकिन यज्ञ का ठीक आधी ठीक बीच में सब लोगों ने देखा आकाश से एक ज्योति को उतरते हुए, बोले भैया ये ज्योति कहाँ से आ रहा है? वो देखते देखते देखा थोड़ी जब नीचे आ गया देखा भाई एक इंसान, लेकिन जब एकदम नीचे आ गया ना बोले वो इंसान नहीं वो श्री नारद जी है। कौन? श्री नारद बाबा है। अभी नारद जी को देख करके तुम लोग मास्टर मुझे लगता है सब पढ़ाती हो इसलिए कथा को याद कर लेना, कहीं अगर जाओगे अगर कहीं भगवान की कथा सुनाना है ना ये कथा को सुनाया करो, ठीक है? ध्यान देकर सुनो, बाद में पूछूंगा सबको। इसलिए उन्होंने देखा नीचे जब आए क्या देखा, श्री नारद जी। जब श्री नारद जी को देखा ना तो वसुदेव महाराज, वसुदेव कौन है? कृष्ण के जो पिता है, हैं? वो जो यज्ञ कर रहे थे यज्ञ का जो मूल व्यक्ति थे खड़े हो गए। खड़े होकर बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो गए, इसलिए यज्ञ का कोई जरूरत नहीं। वो यज्ञ के लिए जितने सामग्री को इकट्ठा किया था अभी कृष्ण जिस सिंहासन में बैठते हैं नारद जी को उसी सिंहासन में बैठा दिया और श्री वसुदेव महाराज कृष्ण दाऊ भैया सबके सब श्री नारद जी की चरण अभिषेक किया, उनका चरण को स्नान कराया और उनको चरणामृत लिया और उनका जो चरणामृत था वो पूरा द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाया, हमारे देश में शांति और सुख हो। हैं? यहाँ पर भगवान स्वयं शिक्षा देते हैं जब घर में कोई संत आए वो संतों को हमें कैसे आदर करनी चाहिए, संतों को कैसे हमें आदर करनी चाहिए, क्योंकि जो संत है वो कौन है? संत लोग कहती है भगवान का निज जन है, हैं? ठाकुर जी की ये निज जन है। जब तक संत नहीं हो ना हम प्रभु का भक्ति नहीं कर सकते, हमें भक्ति का ज्ञान कौन देगा, हमें भगवान के बारे में कौन सुनाएगा कौन? इसलिए बताए अगर जगत में संत नहीं होता तो ये जगत भी नहीं रहता, जगत में संत नहीं होते तो ये जगत भी नहीं रहता, ये जगत ठाकुर जी खत्म कर देते। बोले क्यों खत्म कर देते? कारण क्या? बोले कारण है ठाकुर ये जगत क्यों बनाया, भगवान ने ये जगत को बनाया तो ठाकुर जगत को क्यों बनाया? तो बोले खाओ पियो बच्चे जन्म दो और बड़ा करो मर जाओ, क्या ठाकुर जी इसलिए जीवन को दिया है? इसलिए ये जीवन नहीं दिया, केवल पढ़ाई लिखाई कर दिया, शादी शुदा हो गई, दो चार बच्चे हो गए, उनका बड़ा बना दिया और बड़ा बना करके बस खत्म, क्या ठाकुर इसीलिए जीवन दिया? बोले नहीं ये जीवन इसीलिए नहीं दिया है, हैं? ये जीवन जो भगवान ने दिया किस लिए भगवान दिया, ये स्वयं भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके स्वयं भगवान खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा सुरा दुर्लभ सदग्रह थन गावा। ठाकुर जी सबको समझा रहे देखो ये जो मानव शरीर है ना ये देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, स्वर्ग का देवता लोग भी तरसते हैं भैया हमें कहाँ पर जन्म दो, भारत भूमि में, और फिर ये स्थान का नाम फिर कृष्णपुर है ना, हाँ ये गांव में तो जन्म लेना बड़ा भाग्य की बात क्योंकि गांव का नाम ही कृष्णपुर है, हैं? ये कृष्णपुर में भगवान की गांव में जन्म लेना भी बड़े भाग्य की बात है। इसलिए ठाकुर जी भगवान राम सब अयोध्या वासियों को ये बात समझा रहे हैं देखो ये मानव शरीर सहज में नहीं मिलता है, ये मानव शरीर जन्म लेने से पहले हमें 84 लाख जन्म भटकना पड़ा, कितना? 84 लाख। कैसे कैसे? शास्त्र में बताया जब कहीं बकरी बन जाते हैं ना मुसलमान को देखा कैसे टांग ऊंचा करके चमड़ा उतार देते, देखे हो मांस बिकते हुए, कभी हम बकरी भी बने सीधा चमड़े उतार दिए, कभी सुअर भी बने होंगे, हैं? सुअर को कैसे मारते हैं? हाथ चार प्यार को बांध देते हैं, जब पानी खोलता है ना पूरा खोलते हुए पानी में छोड़ देते हैं पूरा जिंदा जिंदा, हाँ ऐसे बुरी तरह से मारते हैं। मुर्गा को देखा कैसे टांग लटका करके ले जाते हैं, देखा वो मुर्गे को कैसे टांग लटका कर मुर्गे को ले जाते हैं, हैं? जब पेड़ बन जाएंगे प्यास लगने पर भी पानी नहीं मांग सकते, ऐसे ऐसे मछली अगर बन गए ना सीधा सीधा काट कर खा जाएंगे,
इसलिए हमें ऐसे ऐसे जीवन हमें बिताना पड़ा। उसको बाद में 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर जी एक बार ये मानव शरीर दे रहे। ये बात को कौन कह रहा है? ये ठाकुर जी स्वयं कह रहे। भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके ये चीज को समझा रहे हैं। देखो ये मानव शरीर सहज में नहीं मिला। अभी प्रश्न है, ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताया? ये जो मानव शरीर को सबसे कीमती जीवन ये मानव शरीर को बताया, बोले क्यों? देखो ये राम स्वयं कह रहे हैं, बोले साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा पाई न जे पर लो का सवारा। कहते मानव शरीर को इतना कीमती किस लिए? बोले कारण है केवल इसी मानव शरीर में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखो ये मानव शरीर के सिवाय और किसको बोले राम राम कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए? कोई बोल सकता है राम राम कृष्ण कृष्ण? सत्संग में कोई बैठ सकता है? जानवर गधे कुत्ते सुअर, अगर कोई सुअर सोचे भैया आपका नाम क्या भैया? क्या बबी? अगर वो सोचे कोई सुअर भाई बबी के घर में कथा हो रही है, चलो थोड़ी सत्संग सुन करके आते। अगर सुअर अगर गेट में आ जाएगी ना, डंडे लेकर भगाएगी, बोले भगाओ यहाँ का। इसका मतलब है ये मानव शरीर के सिवाय कोई भी ये सत्संग में बैठ नहीं सकते, केवल इंसान ही बैठ सकता है। अगर ये सुअर यहाँ बैठ कर कथा सुन सकता है क्या? गधा सुन सकता है? कुत्ता क्या सुन सकता? समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। इसलिए कहते उनका सारे दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा बंद है, उनका मुक्ति का दरवाजा बंद है। क्यों? प्रभु का नाम ही नहीं ले सकते, प्रभु को याद नहीं कर सकते, प्रभु को ध्यान ही नहीं कर सकते, इसलिए उनका मुक्ति का दरवाजा बंद। वो कौन कह रहे हैं? स्वयं राम कह रहे हैं। किसको? अयोध्या वासियों को कह रहे हैं। बोले देखो ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम, मतलब इसी जीवन में ही हम ठाकुर जी को साधन कर सकते। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कभी ये मानव शरीर में नहीं पहुंचे, मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे। कहां पर? ये 84 लाख जोनी भटकते भटकते मुक्ति के दरवाजा पर। हाँ, एक छोटी सी कहानी सुन लो, तुम लोग सब याद करना इसको, बाद में मैं पूछूंगा तुम्हें कौन बोल पाएगा, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, नहीं तो खड़ी कर दूंगा। इसको ध्यान करके सुनो, इस सारी कथा को सुनो। ये मानव शरीर क्यों दुर्लभ, ये मानव शरीर का कितना कीमती है। बोले एक समय कोई एक अंधा जा रहा था, अंधा जाते जाते एक बहुत बड़ा महल बनी हुई जिसमें 84 लाख दरवाजा। कितना दरवाजा? 84 लाख दरवाजा। लेकिन वो बेचारा अंधा, उसको तो दिखता नहीं, डंडा टिक 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 जा रहा था, लेकिन ये 84 लाख दरवाजा में एक ही दरवाजा खाली था, खोला हुआ और दरवाजा बंद। वो अंधा था, वो डंटा टिकते टिकते भूल से कैसे खुला हुआ दरवाजा में अंदर में चला गया। जब अंदर में चला गया, अभी तो वो निकलने चाहता है, निकल नहीं पाता है। क्यों? सारे दरवाजा उसकी बंद है, सारे दरवाजा है। अभी वो हाथ लगाता है, बंद है, हाथ लगाता है, बंद है। कितना दरवाजा था? 84 लाख। जिस दरवाजा हाथ लगाए, बंद, दरवाजा बंद। करते 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 84 लाख दरवाजा ना, कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। करते 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 कितने दिनों में खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा। जब खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा, इतने में उसको थोड़ा खुजली लग गई। उसने सोचा सारे दरवाजा तो बंद पड़ा हुआ था, ये दरवाजा थोड़ी खुला होगा, ये भी बंद पड़ा होगा। इतने में उसको थोड़ा खुजली आई और खुजलाते जहां पर निकल सकता था ना, बस वही निकल नहीं करके वो दरवाजा पार कर गया। जब पार कर गया, फिर जब दरवाजा में हाथ लगा है ना, कौन सा दरवाजा आएगा? बोलो, बंद दरवाजा आएगा। बस देखो इस चीज को समझा रहे हैं, हम भगवान को भूल करके ये 84 लाख जोनी में हम भटक रहे हैं। लेकिन ये सारे दरवाजा बंद है, सारे दरवाजा बंद। कौन सा दरवाजा है? कहते जलजा नवलक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख बार जन्म हुई। जितने मछली देखो ना, तरह तरह का, 9 लाख बार जन्म हुई लेकिन मुक्ति नहीं हुई। क्यों? भगवान का नाम भक्ति कर ही नहीं सकते, वो केवल इंसान ही कर सकता है। बोले स्थावरा लख्य विशति, 20 लाख ये मिट्टी में जन्म हुए लेकिन कोई प्रभु का भक्ति नहीं कर सकता, दरवाजा बंद।
क्रिमया रुद्र सख्यतम, जितने कीड़े मकोड़े है ना 11 लाख बार हमें जन्म लेना पड़ा, लेकिन मुक्ति की दरवाजा बंद, हम प्रभु का नाम ही नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। त्रिशत लक्ष्याणि पशव, जितने जानवर है ना वो 30 लाख है, वो भी दरवाजा बंद है कि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ऐसे करते करते हमें ये मानव शरीर मिला, ये मानव, लेकिन ये मानव शरीर जब मिला है ना, हमने क्या सोचा, सारे दरवाजा तो बंद था, सारे दरवाजा बंद था, हमने सोचा ये मानव शरीर जो दरवाजा है ये थोड़ी खुला होगा, ये भी बंद हुआ होगा, लेकिन ये मानव शरीर पा करके हमने क्या करना शुरू कर दिया जानते हो, वो जानवर जो काम कर रहे थे ना, वो गधे कुत्ते सुअर बनकर जो काम कर रहे थे, इसी जीवन में वही भी करना शुरू कर दिया। कुत्ते गधे सुअर क्या करते बताओ, वो चार ही काम करते हैं, दिन में 2 काम और रात को 2 काम। दिन में 2 काम कुत्ते गधे क्या करते, घूमते रहते हैं, हैं, और खाते रहते हैं, रात को क्या सो जाते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं, यही तो करते हैं ना। और हम दिन भर क्या करते हैं सोचो, वही पैसा कमाओ, पैसा कमा कर परिवार को खिला पिला दो, फिर बच्चे जन्म दे दो, बड़ा करके मर जाओ, यही तो करते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो ना। लेकिन कुत्ते गधे तो यही काम कर रहे हैं, तो तुम किस चीज के बड़े हो? हाँ, इसलिए हम बड़े हैं, इसी जीवन में हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, इसीलिए ये मानव शरीर को इतना कीमित बताए। कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं, अयोध्या वासियों को दे, अयोध्या वासियों इसी जीवन में ही प्रभु का नाम ले सकते हो, भजन कर सकते हो, और किसी जीवन में प्रभु का भक्ति नहीं कर सकते हो, हैं? इसलिए क्या करो, ये जीवन पा करके भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो और भव सागर से पार हो जाओ, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन जब मानव शरीर मिला ना, दरवाजा खुला था, हम निकल सकते थे ये जन्म मृत्यु का चक्कर से, लेकिन हमने क्या किया, वहीं पर आकर खुजलाना शुरू कर दिया। खुजलाना मतलब क्या, फिर वही खाओ पियो गधे कुत्ते सुअर जो काम कर रहे हैं, खाओ पियो सुओ, 2-4 बच्चे जन्म दे दो, बड़ा कर दो, मर जाओ, यही काम करना शुरू कर दिया, बस ये मानव शरीर खत्म। फिर कौन सा जन्म आएगा, सर दरवाजा बंद, मतलब फिर वही 84 लाख के जीवन में जोनी में फिर भटकते रहो। ये कौन कह रहे, भगवान राम कह रहे, भगवान राम समझा रहे हैं अयोध्या वासियों को। इसलिए जीवन पाकर क्या करो, एक बार हाथ उठाओ सब के सब, बोला हरे कृष्णा, तुम लोग कोई बोल नहीं रहे हो, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी भी कुछ माताओं को मुंह से बोली नहीं, गांव में झगड़ा हो ना, इसी कोने में झगड़ा हो, दूसरे कोने में पता चलता इसी घर में लड़ाई हो रहा है, होता है कि नहीं? विशेषकर माताएं जब लड़ते हैं ना, वो रोड में निकल आती हैं, पुरुष लोग तो घर में रहते शर्म के मारे, और माताएं घर से बाहर निकल आती हैं, हाँ, बोलते देखो ये क्या करता है। अरे तुम लोग वही थोड़ा भगवान का नाम या तो सुना नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब सुन रहे थे ना मुसलमान का अल्लाह अकबर बोल रहे थे, सुन रहे थे कि नहीं, सुन रहे थे ना? हाँ, जब वो इतने जोर से सुना कर गांव को पूरा टहलका मचा रहे सबको अल्लाह का नाम, तो उतना राम का नाम कर नहीं सकते हो। क्या करना, घर घर में हरि कीर्तन करो, घर घर में हरि का नाम कीर्तन करो, ठीक है ना? हाँ, भगवान के नाम कीर्तन करो, जगत में हरि भक्ति को फैलाओ। देखो क्या हुआ, जब श्री नारद जी आ गए वसुदेव महाराज, भगवान ने क्या किया, उनको अपने सिंहासन में बैठा जिसमें ठाकुर जी स्वयं बैठते हैं, ठाकुर जी चरण धोए, चरणामृत लिया, उसको पूरा शांति जल रूप में छिड़काव करवाए हैं, और उनके चरण में बैठी गई। देखो कहते अभी प्रश्न होता है, यज्ञ कितना बड़ा हो रहा था, विश्व शांति महायज्ञ, यज्ञ का नाम क्या था, विश्व में शांति सुख कैसे हो, लेकिन ये चीज को अच्छे तरह समझो। लेकिन जब श्री नारद जी आ गए, लेकिन वसुदेव महाराज कृष्ण ने क्या यज्ञ बंद करवा दिया, बोले यज्ञ की बंद करने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ का जो फल है, जिस काम के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, वो तो साक्षात रूप में सामने प्रकट हो गए। नारद जी आ गए हैं, जब नारद जी आ गए, यज्ञ का फल ही यही नारद है, शांति सुख कैसे मिलेगा बताओ, हमें शांति सुख कब मिलेगा? कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, बोले तत् प्रसादात पराम शांति है अर्जुन, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे,
जब तक तुम मेरे भजन नहीं करोगे संसार में शांति सुख कभी मिलेगा नहीं। ये रुपया पैसा धन दौलत बेटा बेटी ये शांति नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। रावण का सोने का लंका था तो सबसे बड़ा सुखी हो जाता, वो खुद कहता है शंकर जी को कदा सुखी भवा हम, हे भोले बाबा जीवन में कब शांति सुख मिलेगा मैं बेचैन से। कौन कह रहे रावण जैसे जिसकी सोने की लंका, रुपया पैसा शांति नहीं देगी, बीवी बेटे शांति नहीं देंगे। रावण का पत्नी का नाम था मंदोदरी, हैं इतने सुंदरी थी हनुमान देखकर भ्रमित हो गया, यही तो सत्य मां लक्ष्मी नहीं, नाती पति बेटे बेटे से शांति सुख नहीं मिलेगा है। 1,25,000 नाती पति 1,00,000 संतान थे उसके, हैं कितने पत्नी थी जिसको जिसको सुंदरी मिला ना पकड़ पकड़ कर आकर घर में भर दिया उसने है। ये चीज हमें शांति सुख नहीं दे सकता, कौन कह रहे भगवान सूद कह रहे हमें शांति कौन देगा। कहते जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे, जब तक तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे, ये दुनिया की कोई वस्तु भी तेरे को शांति सुख देने वाले नहीं, भगवान खुद कहते हैं। अभी प्रश्न होता है फिर भगवान मिलेंगे कैसे, जब ठाकुर मिलेंगे, जब ठाकुर की भक्ति करेंगे शांति सुख मिलेगा, लेकिन अभी हम भक्ति करेंगे कैसे, भक्ति को हमें रास्ता कौन दिखाएगा, भगवान की भक्ति की रास्ता हमें कौन राह कौन दिखाएगा, संत लोग दिखाएंगे। इसलिए जब विभीषण को साथ में जब हनुमान का साक्षात्कार हुई, रामायण सुने हो, सुने कि नहीं रामायण, हाँ जब रामायण पढ़ना देखना रामायण। इसलिए जब हनुमान के साथ में विभीषण को साक्षात्कार हुई तब विभीषण क्या कहता है, आज मोए भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीरी मोहे अनुग्रह किनी तो मई दर्श अठितनी। लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम का बहुत बड़ी कृपा, क्यों भगवान के प्यारे भक्त श्री हनुमान से मुलाकात हो गई। मतलब किसी भक्तों को साथ में जब तुम्हारी मुलाकात हो गई ना, किसी संतों को साथ में, कहते हैं ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई है। इसलिए जब संत दर्शन मिल जाए क्या समझो, बड़ा पार, बड़ा पार। जैसे तुम लोग यहाँ पर कुछ गोपियां बैठी हो, गले में कंठी लगाई, तिलक लगाई, हरिनाम करती, कैसे किसने कृपा की, इतना दिन तक घर से ठाकुर को पूजा सेवा कर रही थी ना, लेकिन ठाकुर क्या तुमसे कोई बात कर रहे थे, ठाकुर कुछ बोल रहे थे, हरि भजन करो, भक्ति करो, नाम करो, क्या कोई नहीं बोल रहे थे, कौन बोले, संत बोले। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होना तब जीवन में संत मिलते हैं, और जब जीवन में संत मिल गए क्या समझो, बड़ा पार, मतलब भगवान की हमारे ऊपर में कृपा हो गई, ठाकुर जी की कृपा हो गई हैं। ये विभीषण हनुमान जी को कह रहे हैं। इसलिए आज जब नारद जी इनके घर में आए तो उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया, नारद जी के चरण में बैठी गए, कौन ठाकुर स्वयं कृष्ण बैठी गए हैं, गांव का नाम कृष्णापुर है ना, इसलिए ठाकुर जी कृष्ण जी उनके चरण में, दाऊ भैया बलदेव प्रभु उनकी माँ पिता सब बैठ गए, कृष्ण के 16,108 पटरानिया सबके सब नीचे बैठी गए, बैठी करके देखो क्या कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम खेणो भंगुर तथापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। क्या कह रहे हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्म, एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, ये दीवार दुर्लभ, फिर लेकिन उसमें ज्यादा दुर्लभ किया, बोले वैकुंठ प्रिय दर्शन, उससे ज्यादा दुर्लभ है संतों का दर्शन, संतों का दर्शन। जब ठाकुर जी की कृपा हो तभी जीवन में संतों का दर्शन होता है, नहीं तो ठाकुर का कृपा नहीं हो तो संत दर्शन नहीं होता है, हैं? इसलिए कहते एक तो मानव शरीर दुर्लभ है और उसमें जो दुर्लभ है संतों का दर्शन है। आज हमारा तो भाग्य जग गया, क्यों आज श्री नारद जी संत दर्शन हो गया हमारे है। तब श्री वसुदेव महाराज प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न किया, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को हम जो कुछ करते किसके लिए कर रहे हो, शांति के लिए कर रहे हो ना, शांति मिल रहा है, जैसे परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ो ना, अब जितने जोर से दौड़ोगे परछाई भी उतना तेजी से भागती है। अब देखना घर में एक समस्या, अब सोचते होंगे अगर ये घर का एक समस्या दूर हो जाए ना भैया शांति मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना एक समस्या तो गई नहीं, दूसरे समस्या खड़ी है, सोचते भैया ये समस्या किस तरह से हल हो जाए शांति मिलेगी, देखना दूसरे समस्या गई नहीं तीसरी समस्या खड़ी हो जाती कि नहीं, हाँ कि ना बोलो, हाँ जी हाँ। इसलिए इनका यही प्रश्न है,
जीवन का सारी समस्या कैसे जाएगी और आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इन्होंने प्रश्न किया, जब उन्होंने प्रश्न किया देखा उसका उत्तर क्या देते हैं, बोले भैया ये अशांति का कारण क्या है, क्यों ये दुख संसार में, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, बीवी से दुखी, बच्चों से दुखी, परिवार से दुखी, क्यों क्यों, किस लिए ये दुख का कारण, मूल कारण क्या। कहते भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् इसात अपेत विपर्जय स्मृति, सारे दुख का मूल कारण है हम भगवान को भूल गए, असली पिता को भूल गए, असली माता को भूल गए, असली भैया को भूल गए। इसलिए कहते ना तुम्हें माता च, जोर से बोलो तुम तो चुपचाप बैठे हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम। भगवान ही हमारे भाई बंधु, लेकिन अभी क्या ठाकुर को भाई बंधु पिता कहते नहीं, हम दुनिया में उनको तो असली पिता माता भाई को भूल गए और नकली पिता माता भाई को अपना भाई बंधु सब बना दिए हैं, ये नकलियों को बना दिए असली को छोड़ दिए। कहते जितने सारे दुख का मूल कारण है हमने असली जो पिता माता भाई उनको भूल गए, भगवान को भूल करके ये दुनिया में नाता जोड़ दिए और नाता जहां जोड़नी चाहिए वहां तो जोड़े ही नहीं, ये टाटी पेशाब खून पी का जो थली है, जो संसार शरीर है ना जिसमें टाटी पेशाब से भरा हुआ, इसी को ही पिता माता भाई बंधु मान लिया, सारे दुख का जड़ यही है, सारे दुख का यही जड़ है, असली पिता माता को छोड़कर नकली बना दिया। और सबके पिता माता गए कि नहीं बोलो, तुम्हारे पिता माता है कहीं, फिर होते तो क्यों भाग गए सबके सब, यहीं पर रहते ना, वो नकली थे, वो सबके साथ नकली थे, असली कौन है, ठाकुर जी कृष्ण है, कौन है, भगवान राम है, कृष्ण हमारी असली, यही पिता माता सारे दुख का कारण। फिर बोलते भाई करना क्या, हाँ बोले ये है, हमें सदगुरु का चरण में आश्रय ग्रहण करते हुए, हमें सदगुरु के चरण में आश्रय ग्रहण करते हुए गुरु जी को जीवन का सर्वस्व मान करके भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते अर्जुन मन मन अभव, मन और किसी को मत त्याग, मन मुझे दो, मत भक्त भव, अगर भक्त बनना ना कृष्ण कहते मेरे भक्त बनो, पूजा करना तो मेरी ही पूजा करो, प्रणाम करना तो मुझे प्रणाम करो। बोले करने से क्या होगा, अरे मुझे मिलेगा तुम मेरे को प्राप्त करोगे। बोले तेरे को मिलने से क्या होगा, कृष्ण कहते हैं जहाँ रोग नहीं, जहाँ शोक नहीं, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई दुख कष्ट नहीं, मेरा गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ धाम को, मेरे धाम को प्राप्त करोगे, जहाँ जाने से ये माया के संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, परम शांति तत्प्रसादात परम शांति, मेरी आशीर्वाद से परम सुख परम शांति, मेरी आशीर्वाद तेरे को मिलेगा, तेरे को मिलेगा। क्या करनी चाहिए, भगवान को भक्ति करनी चाहिए। आप बोलोगे भैया भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है, भक्ति हाँ अच्छे तरह से समझ लो, बढ़िया से ये चीज को अच्छे तरह समझो। इसे नारद जी उनको उत्तर दे रहे, शांति कैसे मिलेगी, मेरे तरफ में देखो भक्ति क्या है, अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, जैसे यहाँ पर कोई एक चीज रखा हुआ, यहाँ इसको उठा करके यहाँ रख लिया, बस यही भक्ति और कोई भक्ति नहीं। देखो ये चीज को समझो, जगत में हम जो कुछ करते हैं, काय मतलब शरीर से, मन से और वाणी से, मन सा हाँ, काय मन और वाक्य, जो कुछ करते हो कैसे, शरीर से करते हो, मन से करते हो और ये वाणी से करते हो, जो कुछ करते हो ये तीन चीज को द्वारा हम काम करते हैं, काय मन और वाक्य से। कृष्ण कहते हैं सब कुछ करो, घर बार छोड़ने का जरूरत नहीं, घर में रहो, ऐसे नहीं घर बार छोड़ करके मोड़ मुड़ा करके सन्यासी हो गए भक्ति हो जाएगी, नहीं घर में जहां रहते हो उसी घर में रहो, लेकिन घर का मालिक कौन है, क्या नाम आपका, बॉबी, बताओ घर का मालिक कौन है, हर बोलो ना ठीक से बोलो, बोलो मैं, हाँ यही गलत है, हाँ यही हमारे अंदर में भ्रम है, इसका पिताजी पहले मालिक थे कहां गए, फिर उसको भी पिताजी थे कहां गए, इसलिए घर का मालिक है हम नहीं, घर का मालिक कृष्ण है, कौन है, कृष्ण है, भगवान है, उन्होंने दिया है उनका ही घर है, कृपा करके हमें उन्होंने ये घर दिया, ठाकुर जी घर का मालिक है, हैं, कहते हैं ये पत्नी किसकी है, क्या नाम तुम्हारी, पूनम, किसकी पत्नी है,
आप बोलो तो मेरे बोले नहीं आप बोलना ये ठाकुर जी की सेविका है, ठाकुर जी की ये सेविका। बोले हम कौन है, हम भी ठाकुर के सेवक है। बोले बच्चे किसने दिया है, बोले हमने जन्म दिया ना, मेरे बच्चे, हमने बच्चे नहीं, कितने कितने माताओं को बच्चा होता ही नहीं, क्या क्या नहीं करते हैं, होता ही नहीं, अगर उनकी इच्छा से होता तो हो जाता बच्चा, कोई चाहते बेटा हो लेकिन बेटी हो जाती है, कहते बेटी बेटा हो जाता है, अगर तेरी इच्छा से हो जाता तो बेटी बेटा मांग रहे हो, बेटी की हो रहा है फिर, तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं हो रही, किसकी इच्छा से हो रहा है, अरे बोलो किसकी इच्छा से हो रहा है, ठाकुर जी की इच्छा से, ठाकुर की कृपा से हो रहा है, इसलिए बच्चे किसके हैं, ठाकुर जी के बच्चे, ठाकुर जी कृपा करके दिए, काम करते हैं। बोले क्यों काम कर रहे हो, बोले ठाकुर जी की पैसा, पैसा कमाएंगे, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं होगा तो ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, लक्ष्मी होगा तब तो हम ठाकुर का सेवा करेंगे ना, इसलिए लक्ष्मी, इसलिए कमा रहे हैं, चूंकि ठाकुर को सेवा में लग गया लक्ष्मी, इसलिए हम कर रहे हैं। घर में झाड़ू लगाओ हैं, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले ठाकुर जी का मंदिर में, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, स्नान कर रहे हो, बोले क्यों, बोले ये गंदे शरीर से ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, शरीर पवित्र होगा तभी तो हम सेवा करेंगे हैं, इसलिए यहाँ पर कहते काय मन वाक्य से हम जो कुछ करते हैं वही करो, लेकिन अभी जो कुछ कर रहे हैं ना मेरे लिए, अपना लिए कर रहे हो, मैं खाऊंगा, मेरा घर, मेरा दुनिया है, लेकिन मैं मेरा, इसलिए बकरी देखना मैं बकरी करता से मरता है, इसलिए बकरी मरता है, इसलिए मैं नहीं करना है, क्या करना है, सब कुछ ठाकुर जी की, ठाकुर जी कृपा से हमें मिला है, जो कुछ करना ठाकुर जी के लिए ही हमें करने का, भगवान के लिए हमें करने का, ठाकुर जी के लिए करने का, ठीक है ना, इसलिए कहते भजन कोई कठिन चीज नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं वही करे, लेकिन इसको ठाकुर के साथ में जोड़ दे। अभी प्रश्न है पर होगा कैसे, अगर बोले घर में बैठी बैठी कर हो जाएगा, कर नहीं सकते हो, इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना हो, जब हम संतों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भावना कौन डालेगा हमारे अंदर में, संत ही डालेंगे, उनकी कृपा से होगा है, उन्हीं की कृपा से हमारे अंदर में ये भावना आएगी, ठीक है ना, इसलिए क्या करो, बोले श्रीन न सुभद्राणी रथांग पानी, घर में कुछ नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, घर में नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठो, कुछ भजन करो, ठाकुर जी कुछ कथा सुनो, ठाकुर जी का आरती उतारो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, रोज रोज क्या करो, जैसे गीता हो, रामायण हो, नहीं तो भागवत ग्रंथ हो, घर में कुछ पढ़ा करो, और नहीं तो कुछ सत्संग, रोज रोज कुछ सत्संग सुना करो, देखना जिनकी बार में तुम सुनोगे ना, धीरे 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 तुम्हारी प्रीति उसको प्रति हो जाएगा, इसलिए रुक्मिणी कृष्ण को पास में पत्र लिखती है, बोले हे प्रभु मैं अभी तक आपको दर्शन नहीं किया, आप भी मेरे को दर्शन नहीं किए, लेकिन ये नारद जी से तुम्हारी कथा सुनते 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 आप तो मेरे रोम रोम में बैठ गए हो, इसलिए मैं शादी करूंगी तो आपसे शादी करूंगी, इस संसार में किसी व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, आपसे केवल तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे मन में आप बैठ गए हो, तुम्हारी कथा सुनते सुनते, इसलिए क्या कर, श्री न सुभद्राणी रथांग प्राणी जन्मानि कर्माणि च जानी लोके, इसलिए भगवान का दिव्य जन्म कर्म को रोज रोज घर में नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, रोज हम थोड़ी रामायण पढ़ेंगे, नहीं तो भागवत गीता पढ़ेंगे, ठीक है ना भैया, हाँ देखो एक समय हमारे बड़े गुरुजी को किसने पूछा, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, गुरुदेव ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को कभी बोला रामायण पढ़ने के लिए, बोले नहीं, बोले खुद पढ़ोगे नहीं पढ़ाओगे नहीं बच्चे क्यों तुम्हारी बात सुनेंगे, कहां पर लिखा हुआ पिता माता की सेवा करनी चाहिए, रामायण में लिखा हुआ है, भगवान सवेरे उठ करके प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, ठाकुर सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छूते थे हैं, सास ससुर को चरण छूते थे, अभी कोई नहीं करते, क्यों, रामायण तो पढ़ते नहीं, कहां सीखे कहां से, हाँ जितने स्मार्टफोन लेकर बैठ जाते हैं, उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइनी का सब पिक्चर लेकर बैठ जाएंगे, तब ये सब शिक्षा कहाँ से मिलेगा, बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, गीता रामायण तो मिलेगी ना, ठीक है ना, आप खुद पढ़ो, किंतु पहला गुरु कौन है, पिता माता, पहला गुरु कौन है, गुरु पहले माता पिता है ना, पहले माँ है उसके बाद में पिता है, इसका देख करके बच्चे सीखते हैं, आपको बच्चे है कौन है, हाथ उठा उनके बच्चे कौन, हाँ
सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छूना, ठीक है ना? छूते हो? नहीं छूते हो, छूना। और तुम्हारी कोई माँ है कि नहीं? तुम्हारी अभी कौन है, कौन है ये? आप इनको सवेरे चरण छूते हो आप? हाँ, अब नहीं छूते हो ना? देखो देखो, पहला सिखा, आप अगर सवेरे उठ करके, अगर आप सवेरे उठ करके माँ की चरण छुओगे ना, इधर सुना, जब छुओगे ये बच्चे देखेंगे ना, हमारे पिता उठ करके अपना माँ की चरण छूते थे, माँ की आदेश से पालन करते थे, तब तो सीखेंगे ना। इसलिए सबसे पहले क्या करना, अपना सास ससुरों की माता पिता की चरण को छूना चाहिए, तभी तो बच्चे देख कर सीखेंगे। सीखेंगे कहाँ से? देख कर सीखते हैं, ठीक है बच्चे? तुम भी छूना, वो भी चरण छुए। और क्या करना, सवेरे उठ करके थोड़ा हरिनाम करना, थोड़ा रामायण हो नहीं तो गीता हो, एक एक श्लोक। पढ़ाई लिखाई कुछ किए कि नहीं? जी है ना, इसलिए गीता, एक गीता लेके ला करके देना पूनम, है ना? इनको बच्चों को बोलना सवेरे उठ करके एक ठाकुर जी की माला जप करे। बच्चों क्या करना, भगवान की माला जप करना। जब तक ये बच्चे भगवान की माला नहीं जप करते ना, इनको खाना नहीं देने का। पूनम दीदी, इनको खाना नहीं देना। बोले सबसे पहले, ए बच्चे क्यों पास में बैठे, मुंह हाथ लगा कर बैठो, ए इधर मुंह हाथ लगाओ, ऐसे ऐसे करो, हाँ बात नहीं करना, खड़ी कर दो। इसलिए सवेरे उठ करके एक माला जप करना, देखना जैसे जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में नंबर अच्छा नहीं होता है, देखना एक माला करोगे तो क्लास में फर्स्ट आ जाओगे भगवान का आशीर्वाद से। कितना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान के जैसे कृष्ण कहते ना, हरे कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या है, क्री मतलब होता है अपना तरफ में खींचना, स्ना मतलब आनंद देना, है कृष्ण मतलब हमारा मन, जो चंचल मन है इसको जो इधर उधर भटकने नहीं दे, ये मन को जो शांत कर दे, इसका नाम कृष्ण। राम मतलब जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में आराम दे। इसलिए हरे मतलब सारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसमें तीन नाम है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखोगे एक माला जप करके स्कूल जाओगे ना, पढ़ाई तुम्हारी बढ़िया होगी, मन लगेगा। जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है तुम खुद देख लेना, एक माला जप करके जाओ मन में, आप भी भगवान के नाम लेकर के जाओ, कोई भी काम में हाथ लगाओ, क्योंकि ठाकुर का नाम लेकर जा रहे हो ना, मिट्टी में भी हाथ लगाओ वो भी सोना बन जाएगा, क्यों? भगवान का आशीर्वाद से। नहीं खाना खान, और भोजन तुम्हारा ना उसका भोजन है, बोले मैं भोजन करता हूँ, तुम क्यों भोजन करते हो? नहीं देखो, अकेले आए और जाते समय कोई हमारे साथ में जाएगा नहीं, अकेले हमें जाना पड़ेगा। हम खाएंगे तो अपना पेट भरेगा, आप खाओगे तो अपना पेट भरेगा, बच्चे खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। अकेले आए और अकेले संसार से जाएंगे। अब देख लेना अंतिम समय में जब शरीर छूटता है, अब देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। मतलब क्या, जितना हरि का राम का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय जितना तुमने इकट्ठे किया और जो कुछ बोला है ना सब झूठा है, सब झूठे में, सब कोई बात झूठा है। अगर हरि का नाम लिया तो सत्य बोले गत्य है, तभी तुम्हारी गति नहीं, तो कोई गति नहीं, तुम्हारी कोई गति नहीं। भागवत में बताया मरने के बाद जब महाराज के सामने खड़े कर दिया जाता है, उनसे प्रश्न करते हैं, तुमको 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर जो दिया था तुमने क्या किया? ये नहीं बोलोगे एक बेटा एक बेटी एक पत्नी थी, घर मकान दुकान बनाया, नहीं वो ये बात नहीं पूछेंगे, बोले जिस काम के लिए दिया था वो काम क्या किया है, किसके लिए दिया है? गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को, जीवन केवल हरि की भजन के लिए मिला था, लेकिन ओटन लग कपास, हमने उल्टा रास्ता पर चले गए, जो काम करने आए थे उसको किया नहीं, उसको रख दिया पीछे, और जो नहीं करने आए थे ना उसको पीछे पीछे पीछे। हनुमान का नाम सुने हो? ये कब आए थे? त्रेता युग में, करोड़ों साल पहले। उनका नाम हम क्यों ले रहे? तुलसीदास का नाम सुने हो? क्यों उनका नाम ले रहे? हम अपना पिताजी का पिताजी का पिताजी का नाम तो कोई नहीं लेते, इनके नाम क्यों ले रहे? भगवान का भजन किया था, भगवान की भक्ति किया था, इसलिए जगत में इनका नाम पूजा हो रही है। जो भगवान की भक्ति नहीं किया ना उनका जगत में कोई नाम ले लेते हैं।
लेकिन जिन्होंने प्रभु का नाम लिया, भगवान की भक्ति की, इनका नाम जगत में अमर हो गया। सबके सब जगत में अमर हो गए। करोड़ों साल पहले ध्रुव प्रहलाद आए, हैं वाल्मीकि करोड़ों साल पहले आए, अभी भी उनका नाम को हम ले रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं। कारण क्या? भगवान की भजन किया। अगर हम भक्ति करेंगे ना, हम भी जगत में अमर बन जाएंगे। अगर प्रभु का भक्ति नहीं करेंगे, खाए पिए मर गए, बस गया जीवन, तुम्हारी गई, तुम्हारी जीवन है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, और जो कुछ करते हो ठाकुर जी की सेवा मानकर करो, ठाकुर जी की सेवा मानकर करो, और भगवान के नाम लो। सब माताएं, ओ सब बड़ी बुढ़िया, सब ऐसे नहीं एक जगह पर बैठी गए, उसकी छोरी ऐसे कर रही है, उसको बहू के साथ में उसकी बनती नहीं, उसकी छोरा को छोरी को भगा करके ले गया, ये सब बात नहीं करके, जब समय मिले, जब समय मिले ये माला लेकर के बैठना। क्या करना? क्योंकि यही साथ में जाने वाले, और दुनिया से कुछ भी जाने वाले नहीं। एक सुई धागा भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, एक सुई धागा भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं, केवल प्रभु का नाम ही जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, भगवान की बैठ करके हरि का नाम करना, हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके ना एक मुत सर के गा सीख लो। कैसे करोगे? एक समय देखो, ध्यान देकर से, एक समय भगवान को कुछ भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले ठाकुर जी आज हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति, आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। भक्त लोग तो साधारण लोग दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में तो 1,000 रुपया तक भी नहीं। 1,000 रुपया मतलब क्या? 1,000 स्वर्ण मोहर, 100 भी नहीं घर में। तुम्हारे घर में कितने हैं? है कि है कुछ घर में? बोले तब हमारे घर में आप क्या भोजन करोगे नहीं? हाँ, क्या भोजन नहीं करोगे? जब उन्होंने बोले तो भगवान समझा रहे, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोज आना, जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते वो असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल है। देखो मेरी तरफ में लखपति कैसे बनोगे? माताएं ध्यान देकर सुनो, घर में बैठी करके माला जप करियो, बेटी बहू की बात नहीं करके, इधर उधर बात नहीं करके, बैठी करके ठाकुर का नाम करो, जिसमें शांति सुख मिलेगा। देखो मेरे तरफ में देखो, अभी तो कोई काम नहीं, घर में बहू आ गई होगी, हैं? बहू आ गई कि नहीं घर में? सब बहू ये सब काम करती होगी, और तुम लोग बैठी करके इधर उधर ज्यादा बोलना नहीं, बहुओं के साथ में ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करके अपना काम निकालो। काम निकालना मतलब भगवान की भजन करना, समझ रहे हो? कभी कभी कहते ना, मैं उठती हूँ 4 बजे, तू उठती हो 5 बजे, उठती हो 4 बजे और तुम उठती हो 5 बजे। कभी कभी बहू के साथ लड़ाई करते, नहीं तुम जो बहू थी ना तू भी 5 बजे उठती होगी, तुम जो बहू थी ना तू भी 5 बजे उठती होगी। अरे बुढ़ापा में देखो, एक सुंदर कथा सुन लो। बोले एक समय भगवान जब ये सारे जीवों को सृष्टि किया ना, एक इंसान को सृष्टि किया, एक उल्लू को, एक कुत्ते को और एक गधे को, ये चारों को भगवान ने बराबर उम्र दिया था, 80-80 साल उम्र दिया था, सब 80-80 साल जिंदा रहना। इतने में एक इंसान गया, बोले प्रभु प्रभु इतने में बोले देखो एक जब गधे को जब उन्होंने ये उम्र दिया, बोले तुम 80 साल रहोगे। गधा आया, गधा आकर बोले प्रभु जी ये उम्र में काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? इतने उम्र हम नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले गधे को देखे कि नहीं, पीठ भर दिन भर ईट पत्थर लेकर के, सब रोड़ी लेकर के दिन भर उसको काम कराते। बोले कब तक पीठ में बोझा बोऊंगा, 80 साल बोऊंगा तो बड़ा दुख कष्ट है। बोले क्या चाहते? बोले इसको आधा कर दो, इसकी आधा कर दो, इसलिए इसको 40 बना दो, हैं? 40 बना दो। त
तब इंसान को हाँ पहले सबको बराबर उम्र 40 साल 40 साल दिया था, बोले सबका उम्र 40 साल 40 साल, लेकिन जब उन्होंने गधे बोले हमको 40 साल नहीं चाहिए, हमें आधा बना दो, कब तक पीठ पर बोझा ढोऊंगा, तब बोले ठीक है तुमको 20 साल दे देता हूँ। इसलिए गधा कितना साल जाना 20 साल रहता। इंसान जाकर के बोले प्रभु हम इतना कम साल नहीं काम बनेगा, हमको तो ज्यादा साल चाहिए, ज्यादा साल चाहिए, 40 साल दिया सबको तभी कल ज्यादा साल। बोले ठीक है, गधा कहता है मैं आधा चाहता हूँ उसका, 20 साल तू ले। बोले ठीक है, कितना हो गया 40 और 20 कितना हो गया 60। इतने में हैं, इतने में आ गया कुत्ता आ गया। बोले प्रभु हमें ये 40 साल नहीं चाहिए। बोले क्यों, कुत्ते देखेगे नहीं, दरवाजा के बाहर बैठा रहता है, जो खाते है लाश में जो फेंक देते हैं वो उसको ही खाता है। बोले प्रभु कब तक इनका झूठन खाते रहूंगा और चौकीदारी करते रहूंगा, रात भर सोता नहीं भो करता रहता है, इसलिए प्रभु हमें तो आधा दे दो। बोले ठीक है 40 साल, तुमको 20 साल कर देता हूँ। इंसान बोले प्रभु हमको 60 साल से काम नहीं चलेगा, हमें और कुछ दे दो। बोले ठीक है, ये कुत्ते का उम्र ले लो, कितना हो गया 80 साल। इतने में उल्लू उल्लू आया, उल्लू आकर बोले प्रभु हमको 40 साल नहीं चाहिए। अब उल्लू को देखे हो, रात भर सोता नहीं घूमता रहता है, इस पेड़ बैठता रहता है। बोले कब तक मैं रात भर जगता रहूंगा, प्रभु हमको इतने उम्र नहीं चाहिए, हमें भी आधा कर दो। बोले ठीक है तुम 40, तुम 20 साल हो जाए, तुम्हारी 20 साल हो जाए। इतने में इंसान ने बोले प्रभु हमें और कुछ दे दो, इतने में काम नहीं चलेगा। फिर उनको 20 साल दे दिया, कितना हो गया 100 साल हो गया इंसान को 100 साल। देखो ये इंसान कैसे जीवन बिताता है, देखना 40 साल तक तो इंसान सही रहता है, हट्टे कट्टे रहते हैं, काम धाम करते हैं, लेकिन 40 साल के बाद में ना गधा बन जाता है। गधा जैसे दिन भर भोजा ढोता रहता है ना, दिन भर भोजा ढोता रहता है, काम करता रहता है, देखना 40 साल के बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, वो गधा होकर दिन भर संसार की भोजा ढोता है। उसको बाद में किसका उम्र दिया, उसको बाद में कुत्ते का है, उसको बाद में कुत्ते का उम्र। देखना जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, ध्यान देकर सुनो, जब बड़े बूढ़े हो जाते क्या करते हैं, बोले दरवाजा के सामने बैठे रहो, जितने डोकरा डोकरी होगा तो दरवाजा के सामने बैठे रहो, और कुत्ता जैसे भो भो करता है ना, हम भी भो भो करते हैं, ये हो गया ये हो गया, इधर आ जाओ ये हो गया, तुम कहाँ गए हो। दिन भर वो बोलता रहता है, दिन भर ये बोलता रहता है, दिन भर ए तुमने ये नहीं किया, घर में ये हो गया, घर में ये हो गया। और ज्यादा जितना जितना उम्र हो जाता है ना, ज्यादा उनके मुंह चलती है, ज्यादा उनको मुंह, बच्चों का खुजली किस में, पैर में, और जवान का शरीर में, और बुढ़ापा में मुंह में, उनका मुंह कभी बंद नहीं होता है, दिन भर बोलते रहते हैं। इसलिए ये क्या बन गया, कुत्ता बन गया। अभी उल्लू, अभी उल्लू ने क्या किया, उसका भी 20 साल ले गया, लेकिन जब 80 साल हो जाता है ना, उसके बाद उल्लू क्या करता है, रात भर सोता नहीं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ होता रहता है, हैं? इस पेड़ सोता नहीं, इसलिए बैठ जा। इसलिए अब इसलिए देखना बुढ़ापा में नींद नहीं आती है, बुढ़ापा में नींद नहीं आती है, बुढ़ापा में रात को, इसलिए नींद नहीं आती है, उल्लू जैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, हमें ज्यादा नहीं बोल कर, ज्यादा मुंह मत चला के रहो, हैं? ज्यादा मुंह मत चला कर। इसलिए एक संत कह रहे थे ठाकुर जी को पूजा क्यों होता है, जानते हो, केवल उसने ठाकुर चुपचाप बैठे हुए, ठाकुर भी कुछ बोलते ना, ठाकुर क्यों पूजा नहीं होता। ये जितना जिवा का जितने गड़बड़ी है, ये महाभारत क्यों हो गया, द्रौपदी इतनी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, बात इतने कारण से महाभारत। रामायण क्यों हो गया, सीता इतनी सी लक्ष्मण को बोल दिया, हाँ जब मारीच ने आया था, जब राम सो पीछे गए, जब बाण मारे, बोले भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, सीता बोले देखा तेरे भैया के ऊपर विपत्ति बड़ी, लक्ष्मण को बताए भगवान राम ऊपर को कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, बोले राम ने मेरे को बताए आपको छोड़कर नहीं जा सकता। सीता कितना क्या बोल दी, बोले मैं समझ गई हूँ तू तो साथ में क्यों आया था, ओ राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे, मैं कभी तेरे को शादी नहीं कर सकता हूँ, किसने बोल दिया, बस रावण गया, राम ये लक्ष्मण गए, रावण उठाकर ले गया, रामायण बन गया, ठीक है ना माताओं। ज्यादा बुढ़ापा में मुंह नहीं चलाना, ठीक है, मुंह नहीं चला करके देखो इधर, मुंह ज्यादा नहीं चला कर बैठना, बैठ करके ये माला जप करना, जिसमें शांति मिलेगी, जिसमें सुख मिलेगी, और अंतिम समय में तेरे साथ में यही जाएगा, और कुछ भी तेरे साथ में जाने वाले नहीं।
ठीक है ना। देखो लखपति कैसे बनोगे, मेरे तरफ से ध्यान देकर देखो। जैसे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें एक मति सरकेगा बोल करके एक मति। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दो मति सरकेगा। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो लखपति कैसे हो गए, हरे कृष्ण देखो ठीक से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती करते करते जब यहाँ खत्म हो जाएगा ना, इसको पार नहीं करना, पार नहीं करके ऐसे घुमा देना, घुमा करके दूसरे तरफ से करना। अगर इसे 16 माला कर लिया तो कितना 25,000 हो गया, अगर 64 माला किया ना 1,00,000 हो गया, कितना हो गया 1,00,000, लखपति बन गई तुम। अंतिम समय में ये धन पूरा के पूरा तुम्हारे साथ में जाएगा। अगर तुम लुटोगे ना, बच्चे नहीं ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारे नाम पर जितने धन दौलत, तुमने जितने घर मकान इकट्ठे किए हो, मरने के बाद एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं, सब छोड़ करके जाओगे हैं। बल्कि तुम्हारे हाथ में जो कड़ूले पहने ना, कान में जो सोने की क्या कुंडल पहनी हो, देखना इधर बहु रोती होगी, हाँ माता जी सास चली गई, सास चली गई, इधर रोती होगी, फिर बच्चे किसी कान में ध्यान देना, कान में कुंडल रखा हुआ है उतार देना। हाँ? अगर सास की एक हाथ में अगर सोने की कंगन हो ना, अगर दो बहू है ना, कंगन कौन लेगा, दोनों लास्ट में लड़ाई करेंगी, इसको मैं लूंगी, समझ रहे हो, ये सारे धन यही रह जाएगी तुम्हारी। लेकिन जो प्रभु का नाम रूपी धन है, इसको कोई भी तुम्हारी ले नहीं सकते, तुम्हारे साथ पूरा के पूरा तुम्हारी साथ में यही धन जाएगी, और इसी से ही सुखी शांति, इसी से ही बनोगे, और किसी से नहीं बन सकते हो। ठीक है, क्या करना, हरिनाम करना। कौन कौन करोगे, हाथ उठाओ तो देखता हूँ, हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठा रहे, डंडा पड़ेगा तुम्हारे पास, इसलिए सब के सब हरिनाम करियो। ठीक है ना, मैं माला है ना, जो पूनम दीदी यहाँ है, इनको हाथ में मैं माला भेज दूंगा, ठीक है, माला भेज दूंगा, ये तुम ले आना, और ये माताओं को एक एक माला पकड़वा देना, और स्कूल में तो बच्चियों को पढ़ा दो, अभी आप भक्ति की सिखा देना, सबके सब कैसे माला जब करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा था ले जाओ, मतलब पता नहीं कौन है कि नहीं, ये माला सबके सब हरिनाम करना। ठीक है माताओं, ये पूनम दीदी को मैं दिला दूंगा, ये ला करके आप करके माला पकड़वा देंगे, बैठ करके संसार की बात मत करना, बहु बेटियों की बात मत करना, जो शांति से दे देती है, कौन बहु देती है, उसका शांति में सुख में प्रसाद पाओ, भोजन करो, और जो कुछ खाओ घर में ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, क्या करना, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से। लेकिन अगर तुम प्याज लहसुन खाते होगे ना, ठाकुर को भोग नहीं लग सकता है, इसलिए प्याज लहसुन को त्याग दो। नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो, देखना 9 दिन तक प्याज लहसुन कोई नहीं खाते है, बोले क्यों नहीं खाते है, कहती है गैया का मांस से प्याज बना है, हाँ गैया की मांस से, गैया की हड्डी से ये लहसुन बना है, इसलिए भागवत में आता है, भगवान जब सुदर्शन चक्र से राक्षस को गला काट दिए, जहां पर ये मांस गिरा वहीं पर प्याज बनी, इसलिए देखना मांस जैसे लाल लाल रंग का, प्याज भी लाल रंग का, जहां उसकी हड्डी गिर पड़ा वो सफेद वो लहसुन की पौधा हुई, इसलिए देखना नवरात्रि में कोई 9 दिन तक इसको कोई खाते नहीं, ठाकुर को भोग भी नहीं लगता है, इसलिए घर में जो कुछ खाना ठाकुर जी को भोग लगायो, ठाकुर को भोग लगाओगे ना, कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, अगर भगवान की भोजन प्रसाद खाओगे ना, मन को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, इसलिए प्याज लहसुन छोड़ियो, हरि नाम करियो, और एकादशी व्रत रखियो। एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन रखते हो, देखिए माता जी उठा रहे, बहुत अच्छा धन्यवाद है, और तुम्हारी पतिदेव रखते है एकादशी, हाँ देखो इधर ध्यान देकर सुनो, देखो एकादशी व्रत की कितने महिमा, इधर ध्यान देकर सुनो, ये एकादशी माता ही ध्यान देकर सुना, ये एकादशी ऐसे के व्रत है, ये एकादशी व्रत को कहते हैं, ये कल्पतरु व्रत, कौन सा व्रत, कल्पतरु मतलब क्या, कल्पतरु मतलब होता है जिस वृक्षों के नीचे बैठ करके जो मांगो सो मिल जाता है, इसलिए इसको कहते कल्पतरु व्रत, ये 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, देखो ध्यान देकर सुनो, एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, मोक्षदा मतलब क्या, जो एकादशी व्रत करने से मुक्ति मिलती है,
एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। जिसके घर में पैसा की कमी है, अगर ये एकादशी व्रत करो ना, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब जिनके घर में अन्न की शस्य की कमी है, वो एकादशी करने से घर में खूब अन्न शस्य घर में आती है। एक एकादशी का नाम है विजया, विजया मतलब जो एकादशी व्रत करने से सब जहां तुम जाओगे सब जगह में तुम्हारी विजय होगा। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिनके घर में कोई पुत्र संतति नहीं, जिसको घर में कोई संतान संतति नहीं, अगर वो एकादशी व्रत करेगा तो घर में बेटा बेटी घर में बेटा जन्म लेगा, इसलिए उसका नाम पुत्रदा। हर एकादशी का नाम अलग अलग है, क्या नाम? हर एकादशी देखोगे एक नाम नहीं, सबका एकादशी का नाम अलग 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 नाम है, समझ रहे हो? इसलिए देखना, जैसे कोई जैसे कोई सोम करते होंगे, कोई मंगल, कोई बुध, अगर ये व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारी कोई पाप नहीं लगेगी, लेकिन अगर एकादशी नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगी। बोले क्यों? बोले एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, जितने सारे पाप है एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं। एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप भुगतना पड़ेगा, हैं? अब देख लेना, कोई एक व्यक्ति बुढ़ापा में लेट हुआ बिस्तरा में, प्राण नहीं जा रहे, उसका प्राण जा नहीं रहे, बड़ा दुख कष्ट उठा रहा है, आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, पूछो इसका सदगति कैसे होगी, जल्दी जल्दी इसका शरीर कैसे छूटेगा, अब कौन सा व्रत का नाम बताया होगा? बोलेगा कोई एकादशी व्रत कर इसका फल दे सकते हो? हमने खुद देखा अपना जीवन में, दो दो तीन तीन साल बिस्तरा में पड़कर कष्ट पा रहे थे, सड़ रहे थे, प्राण नहीं जा रहा था, हैं? लेकिन एकादशी व्रत करके फल दे दो, झट उसकी मुक्ति मिल जाती है, उसकी मुक्ति मिल जाती है, एकादशी में इतने शक्ति। इसलिए भागवत में ना कोई बार व्रत का नाम भागवत में है ही नहीं, कोई बार व्रत का नहीं है। जैसे सोम करते हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, जैसे कोई व्रत रखते हो ना, भागवत में से व्रत का नाम नहीं है, भागवत में केवल एकादशी का नाम आती है। देखो कोई क्या कहते, नहीं विधवा को तो करनी चाहिए, सदवा नहीं करनी चाहिए। अब भागवत पढ़ करके देखो, नंद जसोदा, नंद बाबा के घर में बेटा नहीं था, जब उन्होंने एकादशी पुत्र था, एकादशी व्रत की ना, घर में तो बेटा जन्म हुआ। क्या मैया जसोदा विधवा थी? सबसे जो बड़ी एकादशी बताओ तो कौन सा बड़ी? पांडवा निर्जला, कौन सा एकादशी? जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में करते थे। क्या द्रौपदी विधवा थी? द्रौपदी हैं? द्रौपदी क्या विधवा थी? नहीं, विधवा थी नहीं ना, तब एकादशी व्रत कर रहे थे कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ लोग कहते फिर भाई उद्यापना फिर करना पड़ता, क्या करना पड़ता? नहीं, हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापन का नाम नहीं, जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक एकादशी व्रत करो, जब तुम्हारी समर्थ नहीं छोड़ देना, ठीक है? वैसे तो बताया 8 साल से लेकर 80 साल तक करनी चाहिए, 8 साल से 80 साल तक एकादशी करनी चाहिए, इसलिए ठीक है, जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक करो। एकादशी का दिन अन्न नहीं खानी चाहिए, ऐसे नहीं एकादशी करे तुम पूरी बनाकर खा रहे हो, सूजी की हलवा बनाकर, नहीं, 5 शस्य नहीं चलती है। ये रबी शस्य, जैसे गेहूं, गेहूं में जो चीज बनी हुई है वो चीज नहीं चलेगी, जौ जैसे है, जैसे जितने दाल है, सरसों है, ये सब चीज एकादशी का दिन नहीं। जैसे आप लोग नवरात्रि तक रखते हो, जानते हो, जैसे व्रत रखते हो, आप सब आलू का सब्जी बनाकर खाओ, मूंगफली खाओ, और मखाना खीर बनाकर खाओ, कुट्टू का पकौड़ा खाओ, हाँ बढ़िया बढ़िया एकादशी, और उसी दिन खीर बनाकर खाओ, बढ़िया बढ़िया सब्जी खाओ, क्या है? रोज रोज रोटी चावल। हमारी मंदिर में ना बाबा लोग कहते भैया एकादशी कब आएगा, एकादशी आ ही नहीं रहा है, क्यों? रोज रोज वही रोटी सब्जी खा रहे हो, एकादशी आए तो उसी दिन बढ़िया बढ़िया कभी मखाना का खीर बना देते हैं, फ्रूट क्रीम फ्रूट सलाद बना देते हैं, पकौड़ा बना देते हैं, आलू की सब्जी बन जाती है सब मिला करके, और मूंगफली बढ़िया बढ़िया खाना है, हैं? इसलिए कल एकादशी ना, कल एकादशी व्रत है, ठीक है? सबके सब एकादशी व्रत रखियो, हाँ, एकादशी व्रत करोगे तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। जितने जीवन में पाप है ना, बैठो, जितना जीवन में सब पाप है, एकादशी व्रत से सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, ठीक है? सबके सब कल एकादशी व्रत रखियो, और दूसरे दिन एक समय होता है, इतने समय को अंदर में व्रत खोलनी चाहिए, हैं? उसमें के समय होता है, ये पूर्णम तिथि को पूछ लेना, जैसे 9 बजे 10 बजे के अंदर में ठाकुर को भोग लगा करके, जैसे रोटी चावल होता है ना, उससे अपना खा करके व्रत खुल जाती है। एकादशी का दिन जो चीज नहीं चलती, ठीक है?
सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो आज कथा का जो सार है, क्या सार कथा की, भगवान की। ए बच्चों क्या हो गया, चुपचाप बैठो। हरे कृष्ण, इधर सुना। आज जो सत्संग का सार है, भगवान का नाम जप करना। क्या करना है, सवेरे और